तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे जो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर होता है ना, उसका जो हमारा वाल्व होता है सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व, उसको किस प्रकार चेंज करना होता है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो ये हमारा पहले से खराब हुआ था, कल हम लोगों ने चेक किया था, ये क्या था, लीकेज था, तब इसको हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करने के लिए हमने पहले से इसको खोल लिया है, वैसे यहाँ पर देखिए लगा, ये भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब ये कॉपर कॉपर हमारे होते हैं ना, तो जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से आसानी से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे और यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। तो पहले जो पुराना वाला होगा इसको गर्म करके हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसके लिए आपकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों ने बहुत ब्रिजिंग किया है ना, तो चलिए सामने हमारे सारे वेल्डिंग करके और इसको गर्म करके निकालिए। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना होगा, गरम करना होगा। जैसे ही गरम होगा बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब ये लाल हो जाएंगे तब हमें खींचना है, जबरदस्ती नहीं। हाँ देखिए, चलो धीरे धीरे निकालो। हाँ अरे ऐसे नहीं, आराम से। हाँ देखिए हमारा निकल गया ना, जल्दी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या रखना होगा, स्पैनर। इसके अंदर जो हमारा क्या होगा, 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का जो गोटी होगा उसी से ही लगेगा। जो हमारे पास देखिए कितने की है, 10 नंबर की गोटी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं, लग गया। अब यहाँ से हम इसको अंदर डालेंगे, ठीक है। यदि ये नहीं आ रहा है तो इसके अंदर भी कुछ देता है बढ़ाने के लिए, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे और ये दूरी हो जाएगी स्पैनर के अंदर, ठीक है। और आसानी से हम इसको देखो खुल रहा है कि नहीं, इसको हम खोल लेते हैं। चलो एक को लगाओ, जब ही लाल हो जाएगा तब हमें हटाना होगा पूरा, हटाओ, ये निकल गया, ठीक है। अब हमें इस नए वाले को देख लेंगे कि इसके अंदर जाता है कि नहीं। अब नया वाला लगाने से पहले इस नट को खोल लेना होगा, और इसके अंदर क्या होती है, पिन होती है। पिन को भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यदि नहीं निकालेंगे तो ये गर्म होकर के खराब हो जाएगा, तो जल्दी लगने वाला नहीं है, ठीक है ना, अन्यथा बड़े हादसे होने के चांस। हाँ ठीक है। और इसके वाल्व को हमें एलंकी से क्या करना होगा, खोल लेना होगा थोड़ा सा, क्योंकि अपने तरफ से सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। अभी हमारा खुल गया, अब देख लेते हैं इसके अंदर जाता है कि नहीं जाता है। ये आसानी से जाकर लग जाएंगे, अब सीधे गर्म करके इस पे हम ब्रीजिंग राड लगा देंगे, ठीक है ना। ब्रीजिंग राड कहाँ है, गर्म करके पहले पहले गर्म होने दो आराम से, करो दोनों के। हाँ हाँ ठीक है, पकड़ के रखिएगा। गया, चलिए अब ब्रीजिंग लगा दीजिए भैया चारों तरफ। चारों तरफ, चारों तरफ अंदर लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, पीछे की साइड में। ऊपर से करेंगे ना तो नीचे तक जाएगा। हाँ इधर की साइड लगाइए। हाँ हाँ उधर उधर, वेरी गुड, आगे लगा लीजिए। ठीक है, हो गया, हटाइए आपको, आगे हटाइए, आराम से, घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर तक पकड़ के रखना है। तुरंत हटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, हाँ तो थोड़ा जब तक एक ठंडा नहीं होता है तब तक हम पकड़ लेंगे। ये हमारा एक लग चुका है, अब हमें क्या लगाना है, डिस्चार्ज वाला लगाना है कि इसके अंदर ही जा नहीं रहा है। तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, जुगाड़ एक ही है, इसके अंदर हमें डाल लेना होगा क्योंकि ये नहीं जा रहा था। अब यहाँ से दोनों को रख करके साथ में हम गर्म करेंगे, देखिए अंदर जा रहा है ना, अब यहाँ पर एक ही साथ में दोनों का क्या कर देंगे, ब्रीजिंग कर देंगे। ठीक है, चलो तो आप लोगों ने देखा दोनों वाल्व हमारे क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होगा हम स्क्रू लगा क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, जैसे पहले लगा था वैसे फिर हमारा क्या हो जाएगा, नया वाला भी हो जाएगा। इसके बाद प्रेशर भर के हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि कहीं पर आई लीकेज ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से स्प्लिट एसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व दोनों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।